अभियान की गंभीरता अभी आप पहले भी सुन चुके हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, और हमारे इतिहास में जितना मैं जानता हूँ उस इतिहास में ये सबसे बड़ा एक मूवमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो अभियान इस तरह का है ये पीढ़ियों के बाद अपने को मिलता है, और हम कुछ ऐसे भाग्यवान लोग हैं कि ईश्वर की राम जी की कृपा हुई होगी तभी हमको इस समय पर उन्होंने जन्म दिया कि 40 पीढ़ियों ने बलिदान दिया और अगली 40 पीढ़ियों के लिए हम आज डिपॉजिट करके जाने वाले हैं। 40 पीढ़ियों का डिपॉजिट से मतलब है हम धन दौलत परिवार के लिए छोड़कर जाते हैं, हम एक सांस्कारिक विरासत, एक दौलत अपने अपने आने वाले वंशजों के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। विचार जहां तक है 1000 से 1500 वर्ष के लिए इस मंदिर का निर्माण हो रहा है, जबकि इस भूमि पर जो बलुई मिट्टी है यहां 150 वर्ष से ऊपर की कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। फिर भी पूरे हिंदुस्तान के जितने टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो दिग्गज हैं, उनको मिलाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर 1000 वर्ष से कम आयु का न बने। अगर हम एक पीढ़ी को 25 वर्ष का मानते हैं और 100 वर्ष में 4 पीढ़ियां मानते हैं, तो अगले 1000 वर्ष के लिए हम सोच सकते हैं कि हमारी 40 पीढ़ियों के लिए हम एक विरासत छोड़कर जाने वाले हैं। और सौभाग्य हमारा है या राम जी की ऐसी कृपा है कि उन्होंने जन्म हमें इस समय दिया। मैं बार बार, हम सब लोग मेरे ख्याल से जितने भी यहां पर बंधु हैं, लगभग हम सबके बीच में विषय रख चुके हैं, फिर भी अभियान की शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो उस समय पर कर रहे हैं जिस समय हिंदू समाज खुलकर दान करने के लिए आगे आता है। हम मकर संक्रांति को शुरू करके और माघी पूर्णिमा तक दान, केवल दान नहीं करते, हम गंगा जी पर प्रवास भी करते हैं। कोई माह का प्रवास करता है तो कोई महावर स्नान करता है तो कोई चावल का दान करता है और कोई पूर्वजों के नाम से दान करता है, जितनी भरसक सामर्थ्य है हर वर्ष के लिए। हर वर्ष में एक बार वो ये सोच कर चलता है कि हमको अपने साल भर के लिए करना। और अब आप सोचो कि हम जो करने जा रहे हैं वो अपनी 40 पीढ़ियों के लिए, एक साल के लिए नहीं, एक पीढ़ी के लिए नहीं, 40 पीढ़ियों के लिए करने जा रहे हैं। तो 40 पीढ़ियों के लिए जब हम करने जा रहे हो तो सोच सकते हैं कि हमारी सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए और हमको कितना प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रयास में आपकी भूमिका, हमारी सबकी भूमिका क्या हो सकती है और क्या होने वाली है, ये हमको आज तय करना है कि 40 दिन आप बालाजी महाराज घूम कर आते हैं तो 40 दिन का उपवास करते हैं, 40 दिन बाहर का नहीं खाएंगे, 40 दिन दान करेंगे, पता नहीं क्या क्या 40 दिन का, हमारे 40 का तो बहुत बड़ा चक्कर है। आज वो 40 पीढ़ियों के लिए 40 दिन हमको दिए गए, 3 दिन एक्स्ट्रा हैं, 43 दिन, एक दिन अभियान शुरू होगा, एक दिन हिसाब किताब होगा। हम मान के चलें मेरे लिए 40 दिन है, एक पीढ़ी के लिए एक दिन। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी एक पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़कर जाने वाले हैं और हम क्या कर सकते हैं। एक दिन एक पीढ़ी, एक दिन का मतलब 24 घंटे नहीं, एक दिन का मतलब 8 घंटे वर्किंग आवर्स नहीं, एक दिन का मतलब एक पीढ़ी के लिए हम करने वाले हैं। और हम केवल करने वाले नहीं हैं, हम तो निमित्त हैं। करने के लिए ईश्वर ने हमको भी ये समय दिया है कि हम अपनी राशि क्या, अपने लिए क्या और अपने वंशजों के लिए क्या कर जाएंगे, और इसके अतिरिक्त हम सहयोग क्या करके जाएंगे। सहयोग से मतलब है जब तीर्थ यात्रा करने के लिए व्यक्ति निकलता है तो तीर्थ यात्रा करने से पहले अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो पड़ोसी पड़ोसी कहते हैं भगवान हमारे उससे चले जाओ, फंड से तुम होकर आओ, मेरे लिए भी एक बात कह लेना तो तुम्हारी यात्रा में मेरी यात्रा शामिल हो जाएगी। कोई कहीं जा रहा है दर्शन करने तो कहते मेरा प्रसाद चढ़ाया ना,
हम टिकट करवा देते हैं, हम आपको कपड़े उपलब्ध करवा देते हैं, ऐसे बहुत सारे सहयोग योगदान हमारे समाज में होते रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो योगदान एक पीढ़ी एक दिन, अब आपको निर्धारित करना है कि आप अपनी 40 पीढ़ियों के लिए, हिंदू समाज को निर्धारित करना है कि वो अपनी 40 पीढ़ियों के लिए हर एक दिन, अगर आज आपने कहा कि मेरे पास तो भैया थोड़ा सा आराम करने का समय है, आज तो थोड़ी तबीयत ढीली है, तो आप सोच सकते हैं कि आगे आने वाली एक पीढ़ी के लिए आपकी श्रद्धा समाप्त हो रही है उस दिन, और पीछे गई एक पीढ़ी, एक पूर्वज के प्रति श्रद्धा समाप्त हो गई मेरी। लाखों पूर्वज हमारे हुए होंगे, उनके बगैर तो हम नहीं आए होंगे, लेकिन 40 पूर्वजों ने हमारे बलिदान किया, उसका समय आज है। इसके लिए हम सब, सबसे बड़ी जो व्यवस्था है, कोई